आइए हम सब मिलकर के सुबह के टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बहुत बहुत आदर और महिमा और सम्मान देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आप आइए और कार्य करिए। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आज का दिन जो आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आज आपने हमें नया जीवन दिया और नई सोच और नई उमंग और नया दिन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन मेरे सारे कार्यों को पिता जो भी मेरे कार्य हैं, जो भी पिता परमेश्वर मेरे रोजमर्रा की जिंदगी के काम है पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम से पिता मैं आज उसको सफल करता हूं और सफल बनाता हूं प्रभु। और खुदावंत आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपने मेरे परिवार को और आप मुझे संभाल करके रखते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने हर एक व्यक्ति को और अपने घर के एक सदस्य को और अपने आप को पिता आपके नाम से मैं पिता परमेश्वर सौंपता हूँ। परमेश्वर आप हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभाल करके रखते हैं परमेश्वर। आपने मेरे परिवार में शांति और मेरे आस पड़ोस में भी परमेश्वर आपने शांति दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं पिता। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं कमेंट करके कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो परमेश्वर से, तो हम उन सब मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं, आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो आपके बेटे हैं बेटियां हैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हर एक दुख को तकलीफ को मुसीबत को परमेश्वर आप देखिए, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। और फ्री अपना हाथ तमाम उन भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक और सब और विचार को दूर कीजिए जो उनके मन में हो, अनेक प्रकार की विचार हो पिता परमेश्वर, और सब जो है उसको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आग के द्वारा सिर से लेकर के तमाम दुख भरे अंगों को और बीमार भरे अंगों को पिता यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता, और उनके जीवन में जो भी कुछ चीज की घटी हो कमी हो उसको आप पूरा करें परमेश्वर। जो अपने मसीह भाई बहन हैं वो कमेंट करके कहते हैं कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है पिता, से हमारे लिए प्रार्थना करिए, धन के लिए प्रार्थना करिए और किसी प्रकार की समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और जो कमेंट करके कहते हैं प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप काम करिए। और हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर आप कार्य करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। और पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु, उनको आप हर पल हर समय हर घड़ी संभाल करके रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और अनेक प्रकार की संसार में बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, और जो भी दुख भरे अंग हो और बीमार भरे अंगों को पिता यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर, और शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर, चाहे वो रोगाणु हो विषाणु हो और निर्बलताएं हो दूर हो जाए, ज्योति उन मसीह भाई बहन के चेहरे पे चमके पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार की बीमारियों से आज उन्हें आजाद करें। जो व्यक्ति मानसिक तनाव से है पिता परमेश्वर दूर हो जाए, तमाम प्रकार की बीमारियों से आज पिता परमेश्वर उन्हें आजाद करिए, आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। जो बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उठे और चले और दौड़े और कूदे पिता परमेश्वर। और जो आंखों की अच्छी दृष्टि नहीं पाते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु को, उसको अच्छा दिखने लगे, उसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने उसके जीवन में जब ये वचन पिता परमेश्वर जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर आपके वचन पर और आप पर भरोसा रखता है, तो ओके उसकी आंखों की अच्छी दृष्टि मिले पिता परमेश्वर, और अच्छा सुनने के मिले पिता परमेश्वर, सुनने की शक्ति उसको प्राप्त हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक दुख से तकलीफ से मुसीबत से उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर, और जिनको कम सुनाई देता है पिता वो अच्छे सुनने लगे, और जो नहीं बोल पाते हैं पिता परमेश्वर वो बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं से तमाम प्रकार के दुष्ट प्रभाव को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी टूटी हुई हड्डियों को पिता परमेश्वर ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, तमाम प्रकार की नसों से दूर करें पिता परमेश्वर। आपसे हर पल हर समय हर घड़ी आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने ऐसा किया है पिता परमेश्वर। इस सुबह के टाइम प्रार्थना जो
भी कर रहे हैं मसीह भाई अपने कार्य को करने जाएं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को करने के बाद पिता उनका हर एक कार्य पिता परमेश्वर पूरा हो जाए, जिस काम में वो हाथ लगाएं परमेश्वर, क्योंकि आपको हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह भाई बहन को पिता आप सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा और सम्मान केवल पिता आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक मसीह भाई बहन को आप आजाद करें दुख से, मुसीबत से, पैसों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर, उनको आप आशीष दीजिए। आमीन।